फिलहाल पुरुलिया जिले की जयपुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज। ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में हुई घटना को लेकर आईपीसी की धारा 341-323 के तहत केस दर्ज। दिल्ली हिंसा के लिए अमन अब्दुल्ला ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार, विधानसभा में हंगामा। बंगाल ममता बनर्जी ने मिलने एसएस के अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता समित भट्टाचार्य और तथागत राय। जम्मू कश्मीर के विजय बेहरा में आतंकवादी मुठभेड़ के एक आतंकी ढेर। उत्तराखंड 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेगा केदारनाथ कपाट, 13 मई को होगा भैरव पूजा। यूपी नैनी सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ जेल भेजे गए पूर्व संसद धनंजय सिंह। बंगाल से ममता पर हमले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे टीएमसी नेता। कुंभ मेला में हरिद्वार में शुरू हुई शाही स्नान का अलग अलग अखाड़ों से संत लगा रहे हैं डुबकी। आप नेता राघव चड्ढा को हुआ कोरोना ट्वीट कर दी जानकारी। देश में कोरोना के 189,226 एक्टिव केस, अब तक के 1 करोड़ से अधिक संक्रमित ठीक। बंगाल ममता बनर्जी को आरोप, हमले के समय साथ नहीं थी लोकल पुलिस। आगरा महाशिवरात्रि पर शिव के आराधना करने ताजमहल पहुंचे हिंदू आदि गिरफ्तार। ठाणे अमरनाथ इलाके की बिस्कुट फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। यूपी आगरा कानपुर हाईवे ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो 8 की मौत, 4 गंभीर। कर्नाटक में साउथ अफ्रीका वारंटियन के पहले कोरोना केस मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कुंभ मेला महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में पहला शाही स्नान आज। कोलकाता ममता बनर्जी को अगले 48 घंटे तक निगरानी में रखे जाएंगे डॉक्टर। तृणमूल कांग्रेस अभी रिलीज नहीं करेगी अपनी मैनिफेस्टो, अगली तारीख ममता को हेल्थ अपडेट के बाद। किसान यूनियन 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। अगले हफ्ते भारत आएंगे अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड स्टीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। चीन अगले 6 साल में ताइवान पर कर सकता है हमला, अमेरिकी रिपोर्ट। चीन पर शिकंजा कसने का प्लान, देखें एलआईसी पर क्या है इंडियन आर्मी का प्लान।